एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में कहीं पर बैंकों के खाते से रुपए निकालना, कहीं टावर लगवाने के नाम पर ठगी, कभी लोन के नाम पर ठगी कर ली जाती है। इसके अलावा फोन पर कई प्रकार से ठगी की जाती है। इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सुभाष चंद्रा पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा राजीव कृष्णा अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा के अलावा विनोद कुमार पुलिस अधीक्षक जनपद मैनपुरी के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे साइबर जागरूकता अभियान के तहत सभी इंटर कॉलेज तथा महाविद्यालयों के बाद आज कुंवर आरसी महिला महाविद्यालय के 100 छात्राओं को कंप्यूटर ऑपरेटर अंकुर चौधरी थाना कुतवाली मैनपुरी द्वारा साइबर जागरूकता अभियान के तहत जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिससे बच्चों को 2-स्टेप वेरिफिकेशन, ओटीपी का किसी के साथ साझा न करना, पासवर्ड का कुछ समय बाद बदलते रहना, थर्ड पार्टी ऐप का प्रयोग न करना, किसी लोन के झांसे में न आना, अनजान व्यक्ति के साथ फेसबुक पर दोस्ती न करना, अनजान व्यक्ति से वीडियो कॉल पर बात न करना, ब्लू बगिंग बैंक खाते की जानकारी किसी के साथ साझा न करना और आपको बता दें कोई भी टीम व्यूअर एप्लीकेशन डाउनलोड न करना आदि की जानकारी दी गई। किसी भी घटना के होने पर तत्काल 1930 तथा www.cybercrime.gov.in की प्रक्रिया को बताया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि बच्चे अपने आसपास के लोगों के साथ इस प्रकार की जानकारी को साझा करें, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी साइबर की घटना किसी व्यक्ति के साथ न घटे। पंकज चौधरी के बताने के बाद तुरंत छात्राओं पर हुआ असर। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन घटनाओं से बचा जा सकेगा, देखें पूरी रिपोर्ट। ऐसी खबरों को जानने के लिए आप एएसबी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, हमें जरूर लिखें न्यूज कैसी लगी। आज जो आपने बच्चों को जानकारी दी है, किस संबंध में और क्यों जानकारी दी है? ये हमारे एडीजी जोन आगरा श्री राजीव कृष्ण सर की तरफ से एक प्रोग्राम था कि जिसमें बच्चों के लिए साइबर अवेयरनेस पे एक हमें जानकारी देनी थी बच्चों के लिए, जिससे कि उनमें इस तरीके की जागरूकता पैदा हो कि किसी तरीके की कोई साइबर की घटना से वो उनके साथ ना हो। क्या क्या जानकारी दी गई? हमने इनको इस तरीके के, जैसे कि cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है जिस पर अगर आपके साथ कोई भी घटना होती है तो आप उस पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। एक हमारा टोल फ्री नंबर है, दैट इज 1930, उस पर आप तत्काल रूप से आप अपना मैसेज या कॉल फोन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो शिकायत है तुरंत रजिस्टर हो जाए। और इस तरीके की जानकारी जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जीमेल अकाउंट है, उनमें आप 2-स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं, ये सारी जानकारी, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल ना करना, ये सब जानकारी हमने आज बच्चों को दी। किस जगह दी है? ये आरसी महाविद्यालय है जिसके अंदर हमने ये पूरा का पूरा लेक्चर डिलीवर किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुर चौधरी है, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर थाना कोतवाली जनपद मैनपुरी पर तैनात हूँ। द्वारा जानकारी दी गई है कि इंस्टाग्राम फेसबुक जो भी कुछ होता है, ये जो होता है वो डिजिटल होता है, इससे हमें अलर्ट रहना है, जो कि हम या हमें कोई रॉन्ग नंबर आता है या कोई हमें ईमेल भेजता है उस पर हमें कभी भी सर्च नहीं करना चाहिए। प्लस अगर हैकर हो जाते हैं, ये हमारी पर्सनल फोटोज होते, पर्सनल वीडियोज होती, जो भी कुछ होता है वो हमें कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। पर्सनल फर्स्ट नंबर ये होता है, अगर कोई जिसको हम जानते हैं उसको ही हमको अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह आती है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और जिसे हम नहीं जानते उसको तो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट ये भी होता है कि जिसको हम नहीं जानते हैं वो हम उनको भी क्या होता है फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए वेरी वेरी हानिकारक हो सकता है। इससे क्या होता है कि हमें उस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमें सर ने बताया, कुछ सर ने बताया है कि जो भी मतलब पर्सनल चीज़ें हमारी जो होती है वो फ़ोन में होती हैं, जो फ़ोन हमारा, हम ये सोचते हैं कि फ़ोन हमारे हाथ में नहीं, वो हमारे हाथ में पर्सनली होता ही नहीं, वो जो होता है वो थर्ड लेवल पर होता है। हम फर्स्ट लेवल पर काम करते हैं और सेकंड लेवल पर हमारा डेटा बोलता है और थर्ड लेवल पर कोई और बोलते हैं, जो कि हमें पता नहीं है वो क्या है। हम बस इतना जानते हैं जितना हम चलाते हैं हम उसके बारे में कुछ जानते हैं, और उसके नीचे क्या हो रहा है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। और पता क्या होता है कि जैसे कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं डाटा को, तो हमें तो पता नहीं किसमें क्या है क्या नहीं, हम उसमें हर चीज़ पर्सनली, अदर पर्सनल सब कुछ हम शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने से क्या होता है, हमें तो पता है कि हमारे फ़ोन में, लेकिन ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है। बस इसी तरह सब क्वेरी रहे और अपना ख्याल रखें, अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं वो किसी से शेयर ना करें। बस आपसे ये कहना चाहूँगी। आज जो आपने सीखा है वो कैसा लगा? आज जो हमने सीखा वो हमें
बहुत अच्छा लगा, हमें इससे काफ़ी नॉलेज मिली और हमें इस चीज़ का गर्व है कि आज हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल गया, क्योंकि हमें शायद इतना कुछ नहीं पता था जो हमें आज पता चला। पता था डिजिटल के बारे में, नेट के बारे में, लेकिन आज हमें उससे ज़्यादा कहीं पता चल गया। इससे हम खुद मतलब मजबूत हो गए हैं, पावरफुल, कि हम किसी और को भी समझा सकते हैं। क्या नाम आपका? प्राची। किस जगह? क्राउली जिला मैट्री। कौन सी क्लास छात्र है? बी ए फर्स्ट ईयर। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।